जालौन में SBI बैंक के लॉकर से 81 लाख रुपए के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। बैंक कर्मियों की सूचना पर बैंक पहुंचे लॉकर मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसमें बैंक कर्मियों पर जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि आखिरी बार 13 अगस्त को लॉकर चेक किया गया था, जिसमें पुश्तैनी जेवरात और सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लॉकर SBI सिटी ब्रांच पुरई में था। उस लॉकर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग अगस्त में गए हुए थे। उस समय लॉकर को सही तरीके से हम लोग बंद करके आए, ऊपर से एक अपना लॉक लगा के आए। आज बैंक से कुछ इंफॉर्मेशन आई, यानी टेलीफोन से इंफॉर्मेशन थी कि आप तुरंत बैंक चले आए और आपका लॉकर जो है कुछ टूटा हुआ लग रहा। हम लोग पहुँचे वहाँ तो देखा कि लॉकर खुला था और उसमें सोने चांदी का करीब 80-90 लाख का जो जेवर था वो गायब। एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है कि बैंक लॉकर से उनके कुछ वैल्यूएबल गायब हो जाने के संबंध में। अभी प्रार्थना पत्र की जांच जो हमें नवीन कानून में अधिकार मिले हैं उसके तहत उस पर थाना इंक्वायरी कर रहा है। सभी पहलुओं से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जांच के बाद जो आगे परिणाम आएंगे उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नेशन मिरर के लिए जालौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।